आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। यूपी विधानसभा के बजट सत्र में सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का भाषण बजट से इतर था, बातें ऐसी रखें जो मार्गदर्शन का काम करे। इसके अलावा कोरोना पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी के कोरोना प्रबंधन की हर जगह तारीफ हुई, हम कोरोना महामारी के दौरान लोगों के साथ खड़े रहे थे। इसी के साथ सीएम योगी ने विधायकों की निधि 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी है। यूपी में 11 सीटों के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के सभी 8 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं भाजपा ने राज्यसभा के लिए राधा मोहन दास अग्रवाल, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगीता यादव, दर्शना सिंह, बाबूराम निषाद, सुरेंद्र सिंह नागर, मिथिलेश कुमार और डॉक्टर के लक्ष्मण को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर हैं, जहां कलेक्ट्रेट में गरीब कल्याण कार्यक्रम के दौरान मंत्री के संबोधन के बाद मंच के पास फरियादियों की समस्याएं सुनी और फरियादियों की शिकायत पत्रों को देखकर मंत्री स्मृति ईरानी ने अफसरों की जमकर फटकार लगाया, साथ ही समस्याओं को दूर करने की बात भी कही। वाराणसी ज्ञानवापी परिसर में कोर्ट के अंदर ज्ञानवापी केस में वीडियो लीक मामले में हिंदू पक्षकार सबूतों का लिफाफा कोर्ट में सौंपने के लिए पहुंचे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विवेक शंकर तिवारी के नेतृत्व में नमाज बंद करने की मांग को लेकर जोर जोर से नारे लगाए गए। बता दें कि विवेक शंकर तिवारी ने यह मांग की है कि जब तक कोर्ट में सुनवाई चल रही है तब तक परिसर में नमाज को बंद कर दिया जाए। ज्ञानवापी मामले में अधिवक्ताओं ने सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विवेक शंकर तिवारी ने नेतृत्व में नमाज बंद करने की मांग की। हिंदुओं की जन भावना को ध्यान में रखते हुए हम पूरे सर्वोच्च न्यायालय से, केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी पूजन की, हमारी भोग की, श्रृंगार की सारी चीजों को वहाँ व्यवस्थित किया जाए और ज्ञानवापी परिसर में जो बाबा आदि विश्वेश्वर विराजमान हैं उनका सम्मान हो, उनका नित्य प्रति सेवा हो और समस्त काशीवासी उनका हर जो धार्मिक संस्कार है वो कर सके, यही हमारी मांग है। अस्तित्व का होना पाया गया है। कल जो एक मीडिया में वीडियो जारी किया गया है उस वीडियो से भी स्पष्ट है कि वहाँ पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है। इसलिए अधिवक्ता, हिंदू समाज के जो अधिवक्ता हैं वह केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय से भी मांग करते हैं, चूँकि सर्वोच्च न्यायालय ने नमाज पढ़ने की अनुमति 17/5/2022 को दिया है कि नहीं, नमाज पूर्व की भांति चलेगा और साथ ही साथ ये अभी कहा है कि शिवलिंग को संरक्षित किया जाए, तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी मांग करता हूँ कि अविलंब वहाँ नमाज जो पढ़ी जा रही है उस पर रोक लगाया जाए हिंदुओं की आस्था और भावना को ध्यान में रखते हुए। खबर राय बरेली से है, जहां थानेदार के निरंकुश और भ्रष्टाचार रवैये से आजिज आकर ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, दलित वर्ग के लोगों को धमकाते हुए धरना समाप्त करने की बात भी कही। इससे ग्रामीणों में और भी ज्यादा आक्रोश व्याप्त हो गया है। ये हमारे चाची, हमारे पापा भाई हैं, सब लोग हमारे मायके के हैं और ये लोगों का नहर में, वो बच्चों को नहर में ढील दिया, हम लोग ये लोग बचावे गए, सबको मार मार के गिरा दिया। वो लोग ठाकुर कह रहे हैं हम लोग दबंग हैं, तुमको एक एक को काट डालेंगे। और पता है वहाँ थाने में न बड़ा अधिकारी न छोटा अधिकारी कोई सुन नहीं रहा, बहुत से ऐसे मैटर हैं, ये दरोगा कोई सुन नहीं रहा। ये जब तक हमारे लोगों की जान जाएगी तो यहाँ जाएगा, लेकिन ठाकुरन के हाथ हमारे लोगों की जान। बदायूं में पुलिस प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां मादक पदार्थ माफिया में शामिल आरोपी की अवैध रूप से बनाई गई संपत्ति को गिरा दिया गया, जिसकी कीमत करीब 1,60,00,000 रुपए बताई जा रही है।
शाजापुर में रेलवे स्टेशन पर आकांक्षा हाई स्कूल की ओर से सराहनीय काम किया गया। स्कूल की ओर से जल सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रेन से गुजरने वाले यात्रियों को भीषण गर्मी में राहत देने के लिए ठंडा पानी पिलाया गया। इस दौरान स्कूल की प्रधानाचार्य स्मिता सक्सेना ने बताया कि गर्मी से राहत देने के लिए बच्चों ने यात्रियों की मदद की। जैसा कि हम लोग सब देख ही रहे हैं कि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है यहाँ पर, और उसी से लोगों को राहत दिलाने के लिए और बच्चों का मनोबल, बच्चों को दूसरों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने यहाँ स्टेशन पे जल सेवा का एक शिविर लगाया है, तो जिससे कि कुछ हम लोगों को राहत दे सकें, उनको पानी की सुविधा प्राप्त करा सकें। इसीलिए इस भीषण गर्मी में हमने एक सामाजिक कार्य के लिए आकांक्षा स्कूल की तरफ से स्टेशन पे आज जल सेवा शिविर लगाया जी। यहाँ पे ये ज्येष्ठ के मंगल का हम लोग महावीर बाबा का जो है वो भंडारा वितरण करते हैं। इस समय ज्येष्ठ का महीना जो है वो भीषण गर्मी का होता है, इसलिए हम लोग जो है गरीब जनता को, जो परदेशी राहगीर है, उनकी हम लोग सेवा करते हैं। बलिया के हल्दी थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। दरअसल सोनवानी उत्तर टोला गांव में बेटे का शव कुएं से बरामद हुआ। इसके बाद गांव वालों की सूचना पर पुलिस मृतक के घर पहुंची, तो वहां से लहूलुहान अवस्था में पिता का शव मिला। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल की घेराबंदी कर दी। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पिता पुत्र की धारदार हथियार से हत्या की गई है। इस घटना के पीछे जमीन विवाद हो सकता है। पुलिस इस घटना की हर पहलू से जाँच कर रही है। अब घटना के विषय में क्या बताया जाए, कुछ पता नहीं चला। सुबह में उठे तो गए, वहाँ गए का किसी व्यक्ति के द्वारा कहा है कि मैंने भैया ये लाश इनार में कुएं में पड़ा है। वहाँ जाने के बाद एक दो घंटे के बाद लाश कुएं से बाहर आई। बाहर आने के बाद देखा गया कि उमा संगठन के लड़के उसे हमारे भतीजा भी लगते हैं है ना, कुएँ से बाहर निकाल के लोग की है। एक और उसके बाद घंटा दो घंटा बीतने के बाद प्रशासन जब आई घर पे चेक करने के लिए, घूमने उमने के लिए, तो देखी कि उमा शंकर सिंह की भी लाश अंदर पड़ी है। इसे दो दो घटनाएं बड़ी दुखद की बात है। हल्दी थाना क्षेत्र के सोनवानी ग्राम सभा में आज एक डेड बॉडी मिली है और उनका नाम विक्रम बताया जा रहा है। उसकी आगे जब तफ्तीश की गई है तो उनकी और उनके पिताजी की किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी है। इस संबंध में अभी फॉरेंसिक की टीम और हमारी स्वाट की टीम सब टीम्स आ गई हैं और अन्य दो थानों से बुला करके दो और टीमें बनाई गई हैं। हत्या का क्या कारण हो सकता है, इसके पीछे जाँच की जा रही है। अभी तक की प्रथम दृष्टिया कुछ लोगों से पूछताछ में किसी व्यक्ति से ज़मीन विवाद भी सामने आ रहा है और इसमें जो आगे भी जो भी चीज़ें आएंगी उसकी तफ्तीश की जा रही है। जो सामने आएगा आप लोगों को अवगत करवाया जाए। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।